हेलो लर्नर्स मै सेल्फ अंकित शर्मा एजुकेटर बॉटनी अन एकेडमी ऑफलाइन सेंटर इंदौर लर्नर्स आज हम रेस्पिरेशन टॉपिक को वन शॉट में पढ़ने जा रहे हैं नीट एग्जाम के परस्पेक्टिव से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या प्लांट्स ब्रीथिंग करते हैं दो प्लांट्स ब्रीथ डेफिनेटली प्लांट्स में कोई स्पेशल ऑर्गन तो है नहीं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लेकिन प्लांट्स फिर भी स्टोमेटा के थ्रू लेंटिसल्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं बट प्लांट्स में ब्रीथिंग की डिमांड इतनी हाई नहीं होती जैसे प्लांट्स के सभी पार्ट्स ऑक्सीजन की डिमांड का अपना पार्ट एन्वायरमेंट से गेन करते हैं फॉर एग्जाम्पल रूट्स रूट टेक केयर ऑफ देयर ऑन ऑक्सीजन नीड्स फ्रॉम सॉइल ऐसे ही स्टेम और लीव भी तो प्लांट्स में ऑक्सीजन की डिमांड पहले तो इतना नहीं होता है जितना हर्बी वर्स कॉर्नी वर्स या कंज्यूमर्स में होता है और सेकेंड थाट ये कि इफ ऑक्सीजन यहां पे डिफ्यूज हो भी रही है तो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस को डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन yeah, का डिफ्यूजन ऐसा नहीं है कि लीफ ने ऑक्सीजन गेन किया और उसे स्टेम या रूट तक पहुंचा दिया तो डिफ्यूजन ऑक्सीजन का लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं होता है इसलिए प्लांट्स में कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है बट यस प्लांट्स ब्रीथ करते हैं अब प्लांट्स की ब्रीथिंग का पर्पस यह है कि ऑक्सीजन को यूज करके रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करना रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स या लिपिड हो सकते हैं इन कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स और प्रोटीन के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को ब्रेक करके जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसे ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी में फॉर्म करना यही पर्पस है यहां पर रेस्पायरेशन का तो अब हम रेस्पायरेशन टॉपिक को क्विकली कुछ स्पेशल स्लाइड्स की हेल्प से देखेंगे फर्स्ट रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट ये दो टाइप के हैं एक लर्नर्स फ्लोटिंग रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है जो साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे हैं जो इजीली अवेलेबल है एंड सेकेंड रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट आर प्रोटीन्स जो प्रोटोप्लाज्मिक है जो सेल के स्ट्रक्चरल पार्ट में इन्वॉल्व है फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एंजाइम्स और कई सारे प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं तो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट यूजअली रेस्पायरेशन में यूज कम होगा लेकिन जो फ्लोटिंग रेस्पायरेटरी सबस्टेट है वो सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है फ्लोटिंग रेस्पायरेटरी सबस्टेट में हम कार्बोहाइड्रेट्स और फेट को देखते हैं बट मोस्ट कौन है वो कार्बोहाइड्रेट तो अभी हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके देखेंगे रेस्पायरेशन में ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में सबसे फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस देन रिएक्शन उसके बाद क्रेप साइकिल और फाइनली इन सभी मॉलिक्यूल का फाइनल ऑक्सीडेशन ई के द्वारा ए गेन होगा तो अब हम सिक्वेंशियली ग्लाइकोलाइसिस देखें ग्लाइकोलाइसिस बिगिनस विथ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन इट इज अ टेन केमिकल स्टेप प्रोसेस अब हम एक एक स्टेप में क्या चेंजेस हो रहा है कौन प्रिकर्सर है ये देखें ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फॉस्पेट जो स्टेप है वहां हमें एक एटीपी का डी करना होगा क्योंकि जब हम एटीपी को ब्रेक करेंगे तब हमें एक सिंगल फास्पोरिक एसिड मिलेगा जो ग्लूकोज के सिक्स कार्बन पर अटैच होके ग्लूकोज सिक्स फॉस्पेट फॉर्म करेगा तो ये फर्स्ट रिएक्शन जो है ग्लाइकोलाइसिस की ये एक इिवर्सिबल स्टेप है यहां इंपॉर्टेंट एंजाइम हेक्सोकाइनेज इन्वॉल्व होता है, जो इस स्टेप को परफॉर्म करता है देखिए काइनेज एंजाइम ट्रांसफर करेगा फंक्शनल ग्रुप को तो फंक्शनल ग्रुप यहां पे फास्फोरिक एसिड जो एटीपी से कहा है अब ग्लूकोज के साथ है सिक्स कार्बन पर ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट के नेक्स्ट है फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट ये एक आइसोमरेज रिएक्शन होगी आइसोमरेज एंजाइम इसे परफॉर्म करेगा सो ग्लूकोज सिक्स फास्फेट इनटू टू फ्रक्टोस सेम सिक्स कार्बन शुगर है दोनों अब यहां पर एडिशनली हमें फ्रक्टोस के फर्स्ट और सिक्स दोनों कार्बन पर फास्फोरस दिखाई दे रहा है तो यहां पर भी हमें एडिशनल एक फास्फोरस की रिक्वायरमेंट है जो कहां से ऑप्टेन हुई है एक ए के डीफास्फोराइजेशन अगेन सेम यहां पर भी हमें काइनेस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी द एंजाइम इज फास्फोफ्रक्टोकाइनेस डास्फो फास्फोफ्रक्टोकाइनेस एक पेसमेकर एंजाइम है जो इस रिएक्शन को स्पीडअप भी कर सकता है और इस रिएक्शन को स्लो भी कर सकता है फ्रक्टोज वन सिक्स डाइफॉसपेट एक इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है जो कि सिक्स कार्बन है ग्लाइकोलाइसिस और इसके बाद अब जब भी रिएक्शन आप आगे देखें, तो यहां ऑल कंपाउंड बिलोंग्स टू थ्री कार्बन ये लास्ट कंपाउंड होगा जो सिक्स कार्बन है अब थ्री सिंथेसाइज हो रहा है रिएक्शन में एल्डिहाइड बनाने वाला एंजाइम एल्डोलेज़ इस फ्रक्टोज़ को जो कि की एक कीटोन है, इसे ग्लिसरेल्डीहाइड में कन्वर्ट करेगा आप नेक्स्ट स्टेप देखें, थ्री फास्पोग्लिसरेल्डीहाइड एक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ये ये रिएक्शन एक डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, और यहां हमें फर्स्ट एनएडीएच2 मॉलिक्यूल ऑप्टेन होता है। लर्नर्स, एन एक रिड्यूसिंग पावर है तो रिडक्शन किसका हो रहा है रिडक्शन हो रहा है एन का और ऑक्सीडेशन किसका हुआ थ्री का। एंड व्हाट वी आर ऑप्टेन वन थ्री फास्फोग्लिसरिक एसिड अब यहां पे आप देखें वन थ्री फास्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट इनटू टू थ्री फास्फोग्लिसरिक एसिड सो हियर देयर इज अ वन एटीपी सिंथेसाइज इन दिस स्टेप ADP डी पी फास्पोराइलेज इन टू ये स्टेप को हम एस रिएक्शन कहते हैं वॉट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्पोराइलेसन हियर ए डी पी इज अब स्टेट एंड फॉस्पोरिक एसिड इज अनादर सबस्ट्रेट जो कि दोनों फॉस्पोरालेशन से क्या सिंथेसाइज कर रहे हैं ए सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से दो एटीपी का गेन हुआ है इस रिएक्शन में आप यहां पर एंजाइम को देखें यहां एंजाइम जो यूज हो रहा है वो है ट्रांसफरेज एंजाइम लर्नर्स इसके नेक्स्ट रिएक्शन में थ्री फास्फोग्लिसरिक एसिड टू फॉस्पोगलिस्ट्रिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है इट इज जस्ट एंजाइमेटिक रिएक्शन देर इज नो एनर्जी गेन टू फास्टोग्लिस्टरिक एसिड नाउ कन्वर्ट इन टू फास्पो एनॉल पायरुवेट आफ्टर दिस वन फाइनली पायरुविक एसिड काइनेज एंजाइम कन्वर्ट फास्टो एनॉल पायरुविक एसिड तो फाइनल हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करना है पायरुविक एसिड में Learners, इस रिएक्शन के एंड पे हमें टू मॉलिक्यूल पायरुबिक एसिड गेन हुआ है बट इस रिएक्शन में आपको टू ए जो ट्रांसफरेज एक्टिविटी से हुआ था आपको टू ए इस सिंगल स्टेप में भी गेन होता हुआ दिख रहा है इट मींस फास्पो एनऑल एसिड कन्वर्ट इन टू एसिड एंड गेन ऑफ टू ए तो टेक्निकली इस ग्लाइकोलाइसिस से हमें फोर ए जो कि एस से गेन हुआ है सबस्ट्रेट लेवल लेवल से और टू एन जो गेन हुआ है हमें डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन से यह एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है ग्लाइकोलाइसिस एक टेन केमिकल स्टेप प्रोसेस है और इसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है देखिए कितना कंट्रोवर्शियल है कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि प्लांट्स ब्रीथ करते हैं प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए और उसी तरफ इस पूरी रिएक्शन में हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ग्लाइकोलाइसिस एक एन एरोबिक रिएक्शन होगी ये एक एरोबिक रिएक्शन नहीं है लर्नर्स ग्लाइकोलाइसिस के एन होने का मीनिंग यह है कि यह एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म में भी यूज हो सकती है जैसे बैक्टीरिया यीस्ट जो एन एरेबिक फर्मेंटेशन करते हैं उनमें भी ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेगी अब नेक्स्ट रिएक्शन पे हम जा रहे हैं पायरुविक एसिड जो कि थ्री कार्बन कंपाउंड है वो एसिटाइल को में जो कि टू कार्बन कंपाउंड है उसमें कन्वर्ट हो रहा है तो लर्नर्स ये रिएक्शन स्टेप में आपको थ्री कार्बन से टू कार्बन का कन्वर्जन एक सीओ टू का रिमूवल देता है द रिएक्शन नेम इज डॉबोक्सीन एंड द एंजाइम इज डिकार्बोक्सीस एन अदर एक्टिविटी दू एनएडी मॉलिक्यूल कन्वर्ट इंटू टू एन एड डी एच टू अब यहां पर बताइए एनएडी का रिडक्शन हो रहा है बट एसिड का ऑक्सीडेशन यहाँ पर दो एंजाइम यूज हो रहे हैं वन इज डी एंड एंडर वन इज डी हाइड्रोजीनिज द रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय मिनि कैटालिस्ट सच एस थाइमिन पायरो लाइपोइक एसिड मैग्नीशियम को एंजाइम है

Uh, हमें टू एसिटाइल को एंजाइम में गेन हो रहे हैं और यह हमारी लिंक रिएक्शन का एंड है इसके बाद रेस्पायरेशन एक फाइनल लेवल पे जाता है ये जो रिएक्शन है इसे हम मेटाबॉलिक सिंक भी कहते हैं इट इज क्रेप क्रेप साइकिल इज अ मेटाबॉलिक सिंक फॉर ऑल रेस्पायरेटरी पाथफे मतलब सभी मॉलिक्यूल फाइनली यहीं आके ऑक्सीडाइज होने वाले तो ये ये स्टेप एक साइक्लिक स्टेप है यहाँ एसिटाइल को एंजाइम रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है और ऑक्सीजन एसिटिक एसिड जो कि फोर कार्बन कंपाउंड है वो रिएक्शन से सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है अब यहां पर एक एंजाइमेटिक रिएक्शन देखेंगे इट इज सिट्रेट सिंथेस विच कन्वर्ट ओ ए इंटू सिट्रिक एसिड पर हमें रिड्यूसिंग पावर बनते हुए देखना है मीन्स एनएडीएच टू कहा सिंथेसाइज हो रहा है एनएडीएच टू हमें आइसोसिट्रेट से ऑक्जेलोसक्सीनेट के बीच में सिंथेसाइज होता हुआ मिलेगा जब भी हम एन का सिंथेसाइज करेंगे एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज यूज होगा अगेन पर सिक्स कार्बन कंपाउंड है जो कि कन्वर्ट हो रहा है अल्फा किटोग्लूट्रेट में जो कि फाइव कार्बन कंपाउंड है एंड सक्सीनाइल को एंजाइम है जो कि फोर कार्बन कंपाउंड तो लर्नर्स यहां पर एवरी स्टेप में क्या रिलीज हो रहा है सीओ टू रिलीज हो रहा है सो आर टू स्टेप इन साइकिल वन आफ्टर ऑक्सीनेट एंड एनदर आफ्टर कीटोग्लूट्रेट कीटोग्लूट्रेट का सिंथेसाइज होना आपको यहां पर आगे एक एन का सिंथेसिस भी एंश्योर करता है तो रिएक्शन में हमें वन एन आइसोसिट्रेट के बाद सिंथेसाइज होता हुआ दिख रहा है एंड सेकंड एन अल्फा गीटो के बाद सिंथेसाइज हो रहा है लेना सक्सिनाइल को में हमें एक जी फॉर्म करके देगा और ये स्टेप जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो आपको यहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स और भी बनेंगे जैसे एन का सिंथेसाइज़ मेलेट टू ऑक्सलो एसिटिक एसिड सक्सिनिक टू फ्यूमरिक एसिड यहाँ एक एफ एडीएस का सिंथेसिस हो रहा है तो इस पूरी रिएक्शन में एनएडीएस टू जो कि रिड्यूसिंग पावर है एफ जो रिड्यूसिंग पावर है वो बीच बीच में सिंथेसाइज हो रहे वन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम इज अ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनिक डिहाइड्रोजिन एंजाइम प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन में बट एक्टिविटी अपनी मैट्रिक्स में करेगा फ्यूमरेट जब मेलेट में कन्वर्ट हो रहा है तो यहां एंजाइम फ्यूमरेज यूज हो रहा है तो क्रेप साइकिल बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है हाँ बट इंटरमीडिएट बीच में इतने सारे हैं कि वो रिएक्शन को ड्राइव कर रहे हैं इस पूरी रिएक्शन के एंड में हम थ्री एनआरडीएस का गेन कर पा रहे हैं टू एफ ए टू का गेन कर पा रहे हैं साथ में यह रिएक्शन हमें वन ए का गेन भी करके दे रही है अब देखिए यदि मैं इस रिएक्शन को वन टाइम रन कर रहा हूं तो मेरे लिए यह प्रोडक्ट है और यदि मैं दो बार रन करूंगा बिकॉज आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस आफ्टर लिंक रिएक्शन वी ऑपटेनड टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटेलक्स में सो टू टाइम्स हमें ये रिएक्शन में प्रोडक्ट बनते हुए दिखेंगे ये लास्ट स्टेप है रेस्पायरेशन की इसके बाद ये सभी रिड्यूसिंग पावर्स का ऑक्सीडेशन होने जा रहा है इस रिएक्शन स्टेप को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे ग्लाइकोलाइसिस में टू एन का जो सिंथेसिस हुआ था वो फाइनली ईटीएस की मदद से ईटीएस की हेल्प से सिक्स ए में कन्वर्ट हो रहा है लिंक रिएक्शन में हमें टू एन टू का गेन हुआ है जो कि इस सीटीएस की हेल्प से अगेन यहां सिक्स ए में कन्वर्ट हो रहा है बट क्रेप साइकिल जो कि एक लार्जेस्ट एनर्जी सोर्स है पूरे रेस्पायरेशन में यहां सिक्स एन ए डी एच टू फॉर टू क्रेप साइकिल टू एफ ए डी एच टू एंड टू ए टी पी का गेन हो रहा है अब ये जो ए टी पी है ये सबस्टेट लेवल फॉस्पोराइजेशन से हुआ ऐसा ही सबस्टेट लेवल फॉस्पोराइजेशन हमें ग्लाइकोलाइसिस में मिला था जो कि हम टू ए टी पी गेन कर रहे हैं क्यों क्योंकि टू ए टी पी का लॉस हुआ है और फोर ATP का गेन हुआ है तो नेट गेन यहां पर टू ए अब यदि मैं इसे भी कन्वर्ट करूं, तो टोटल एनर्जी ऑप्टेन कितना हो रहा है सिक्स एन ए का वर्थीन 18 ATP, टू एफ का वर्थ फोर ए और टू ए जो कि एज इट इज सबस्ट्रेट से गेन हुआ है यहां पर भी टू ए तो लर्नर से यदि मैं इन सभी डेटा को एक साथ काउंट करूं तो यह हमारे लिए एक ग्लूकोज से 38 एट का गेन कर पा रहे हैं वन ग्लूकोज इक्वल टू 38 एट तो रेस्पायरेशन में इस टॉपिक के वन शॉट वीडियो में हमने देखा कि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन किन स्टेप से होके गुजरता है थैंक यू फॉर वाचिंग